आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। अगर ख्याल ना रखा जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। डायबिटीज से ग्रसित मरीजों को ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखना दिल की बीमारियों के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज से ग्रसित 2/3 लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो दिल की बीमारियों की बड़ी वजह मानी जाती है। लिहाजा अगर आप डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य स्तर से बाहर है, साथ ही अगर आपके जीवन शैली सुस्त है, तो यह खतरा और भी बढ़ सकता है। डायबिटीज पर जितना बेहतर कंट्रोल होगा, दिल की बीमारियों से उतनी ही दूरी बनी रहेगी। इसके अलावा स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने से आप इन खतरों से बच सकते हैं। खून में शुगर का स्तर नियंत्रित सीमा के भीतर रखें, रोजाना योगा करें, सेहतमंद खाना खाएं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रखने के लिए तली चीजों और फास्ट फूड से परहेज करें, डॉक्टर से नियमित जांच करना ना भूलें, दिल की बीमारियों की पहचान के लिए सालाना जांच जरूर कराएं। ADA की सिफारिश के मुताबिक वजन ज्यादा होने पर कम करने की योजना बनाएं, कम सोडियम और ज्यादा पोटेशियम वाला खाना खाएं, शारीरिक व्यायाम जरूर करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, नियमित तौर पर ब्लड प्रेशर की जांच करें। अगर आपको डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन है, तो आपका ब्लड प्रेशर 140 से 90 mmHg के बीच होना चाहिए। अगर आपको CVD यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का ज्यादा खतरा है, तो आपका ब्लड प्रेशर 130 से 80 mmHg के बीच होना चाहिए। सावधानी बरतें, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें। अनहेल्दी फूड का सेवन ना करें। अधिक शक्कर और नमक से संबंधित आहार हृदय रोग और मधुमेह से जुड़ा हुआ है। गंभीर डायबिटीज वाले लोगों में हाई शुगर समय के साथ साथ ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों से ग्रसित व्यक्तियों में हृदय रोग का खतरा 2 गुना हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज के पेशेंट्स में हृदय रोग से मरने वालों की संख्या 2 से 4 गुना ज्यादा है। आप योगासन के द्वारा खुद को मधुमेह के साथ स्वस्थ रख सकते हैं। कपालभाति करने से मधुमेह में राहत मिलती है। डायबिटीज के मरीज नियमित रूप से इस योग को करें, तो वह अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। कपालभाति करने का तरीका है, पहले पैरों को मोड़कर यानी कि पालती मारकर या क्रॉस लेग पोजीशन में फर्श पर बैठ जाएं। एक गहरी सांस लें और फिर एक ध्वनि बनाते हुए जल्दी जल्दी लेकिन टुकड़ों में सांस छोड़ें। कपाल भांति करते समय हमेशा याद रखें, आपको धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और जल्दी जल्दी सांस छोड़ना है। ऐसा रोजाना 10 बार करें। घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और उन्हें अपनी नाभि के अगल बगल पेट पर रखें। अपने पेट पर दोनों मुट्ठियों से दबाव बनाएं। अब अपने माथे से जमीन को छूने की कोशिश करें। जितना हो सके नीचे जमीन की ओर झुकें। ऐसा 20 सेकंड के लिए करें और फिर छोड़ दें। इस योगासन को रोजाना लगभग 10 बार करें। इस योगासन से इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित रहती है।